हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ डार्क नाइट मेटल का एक और एक्साइटिंग एपिसोड। और ऐसे ही एक्साइटिंग एपिसोड पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं दुनिया की भट्टी में, जहाँ पर हॉकमैन किसी की ना सुनते हुए सुपरमैन और बैटमैन पर लगातार वार कर रहा था। और उससे बचते हुए बैटमैन सुपरमैन से कहता है कि हमें भट्टी में कूदना होगा, अगर हमें भट्टी को फिर से चलाना है तो उसमें कूद कर ही हम उसे फिर से जगा सकते हैं। दूसरी तरफ डेथस्ट्रोक और एक्वामैन टॉम के जरिए सेंटर ऑफ अर्थ तक पहुंच चुके थे, जहां पर डेथस्ट्रोक कहता है, मुझे यहां पर एंथ मेटल महसूस हो रहा है, क्या तुम इस मशीन को चलाकर एंथ मेटल निकाल सकते हो? जिस पर वो कहता है, ये एंशिएंट मैजिक और एटलांटियंस की बनाई गई एक मशीन है, क्योंकि इसके फाउंडर्स एटलांटियंस है इसलिए मैं इसे चला सकता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं थानागार प्राइम में, जहाँ पर ग्रीन लैंटर्न अपनी रिंग फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। और यहाँ पर मिस्टर टेरिफी को ये चिंता थी कि कहीं वो प्लास्टिक मैन के साथ कुछ करना दे। इस पर ग्रीन लैंटर्न कहता है, तुम्हें आखिर उसकी फिक्र क्यों है? इस पर वो कहता है, फिक्र है क्योंकि वो हमारा दोस्त है और वो अभी मिलियन डार्क इम्पल्स से लड़ रहा है एक सेकेंड में। वो हीरो है, वो हमारा दोस्त है। जिस पर वो कहता है, अगर हम यहाँ से निकल पाए तभी हम उसकी मदद कर पाएंगे। इस पर वहाँ पर एक थानागारियन सोल्जर आकर कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ। और तब हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि मार्शियन मैनहंटर था। इस पर ग्रीन लैंटर्न उससे पूछता है कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे? इस पर वो कहता है, हमारे पास अगर टाइम होता तो मैं यहाँ पर तुम्हें सारे सवालों के जवाब दे देता, लेकिन अभी वक्त नहीं है। और तब वो बताता है कि उसने मिस्टर टेरिफिक के स्पेयर और तारों का जैम करने वाला सिग्नल भी रोक रखा है और उसने प्लास्टिक मैन को भी ढूंढ निकाला है। दूसरी तरफ डायना लड़ रही थी ब्लैक एडम से, वो ब्लैक एडम को हरा कर बढ़ती है लेडी ब्लैक हॉक की तरफ और वो उसे बता रही थी कि वो असल में कौन है और वो उसे याद दिलाती है कार्टर हॉल के बारे में। इस पर ब्लैक एडम उस पर वार करते हुए कहता है, यहाँ पर कोई भी मेस नहीं है जो कि कार्टर हॉल की है, क्योंकि कार्टर हॉल अब डार्कनेस में खो चुका है। दूसरी तरफ दुनिया की भट्टी में हॉल यहाँ पर पूरी तरह से सुपरमैन और बैटमैन पर हावी हो रहा था, जिस पर बैटमैन सुपरमैन से कहता है, हमें कुछ भी करके उस डार्कनेस में कूदना होगा, हमें उस भट्टी को फिर से चलाना होगा। इस पर ड्रैगन ऑफ बारबाडोस कहता है, तुम वहाँ पर कूदना चाहते हो, मैं तुम्हारी ये विश जरूर पूरी करूँगा, थोड़ी देर बाद तुम खुद ही वहाँ पर कूद जाओगे। तभी बैटमैन कहता है, कुछ डिकेट्स पहले जो आदमी यहाँ पर आया था उसकी जर्नल पढ़कर ही मैं यहाँ पर आया हूँ और वो ग्रेट हॉकमैन था। इस पर ड्रैगन ऑफ बारबाडोस कहता है, यहाँ पर हॉकमैन है ही नहीं। इस पर वो कहता है, सही कहा, तुम हॉकमैन हो ही नहीं सकते, वो बहुत समय पहले ही मर चुका है, कार्टर हॉल अब जिंदा नहीं रहा। और कार्टर हॉल नाम सुनते ही वो अपनी याददाश्त फिर से पाने लगता है, जिसकी वजह से दुनिया की भट्टी में एक स्पार्क निकलता है और वो सुपरमैन देख लेता है। दूसरी तरफ वंडर वुमन एक दीवार के अंदर फंसी हुई थी और उस दीवार में उसे एक क्रैक के जरिए वो मेस दिखाई देती है जो एंथ मेटल से बनी थी और वो मेस निकालकर वो ब्लैक एडम को एक ही झटके में बेहोश कर देती है। लेकिन तभी उस पर पीछे से वार होता है और वो वार करने वाला और कोई नहीं बल्कि बैटमैन को लाफ्स था। वो बताता है कि ये सारी बुलेट्स एट मेटल से बनी है जो कि तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है, मैंने कितनी दुनिया कब्जे में की, कितनी दुनिया को तबाह किया, लेकिन उन सब में एक बात कॉमन थी जो तुमसे जुड़ी थी, क्योंकि उन सभी दुनिया में तुम ही थी जो आखिर तक लड़ी। इस पर वंडर वुमन कहती है, तुम मुझे मारकर ये सब खत्म नहीं कर सकते, सुपरमैन और बैटमैन और मेरे बाकी बचे दोस्त इसे खत्म नहीं होने देंगे। इस पर वो कहता है, तुम कुछ सुनना चाहोगी कि बर्थ जितनी लाउड होती है डेथ उतनी साइलेंट, लेकिन ऐसा है ही नहीं, क्योंकि बर्थ और डेथ दोनों ही वायलेंट होती है और लाउडेस्ट होती है। अर्थ के कोर में से एक्वामैन ने वो एंथ मेटल बाहर निकाल लिया था, लेकिन तभी उस पर और डेथस्ट्रोक पर हमला होता है और वो हमला ब्लैक मांटा ने किया था जो कि अब बारबाडोस के साथ मिल चुका था और वो अकेला वहां पर नहीं आया था, वो तीन बैटमैन नाइटमेयर्स को ले आया था जो कि थे मर्डर मशीन, रेड डेथ, बैटमैन ड्रॉन। दूसरी तरफ थानागार प्राइम में ग्रीन लैंटर्न, मिस्टर टेरिफिक और मार्शियन मैनहंटर सारे थानागारियन सोल्जर्स को मारकर किंग सिन की तरफ बढ़ते हैं और वो एंथ मेटल से बना हुआ प्लास्टिक मैन का एक मांगने लगते हैं। इस पर वो कहता है, तुम जीत नहीं सकते क्योंकि सारे रास्ते आखिरकार डार्कनेस तक जाते हैं, बारबाडोस तक। और एक देते हुए कहता है, तुम ये ले तो जा रहे हो लेकिन तुम इसके साथ कुछ नहीं कर पाओगे। और तब हम देखते हैं कि उसने जो कहा वो गलत नहीं था, क्योंकि फिनिक्स कैनन जो कि अर्थ के कोर में छुपा हुआ एंथ मेटल ब्राइटन करने के लिए बनी थी उसके साथ इसने छेड़छाड़ करके उसे रिवर्स कर दिया था। ये बात बताता है मिस्टर टेरिफिक और वो कहता है कि इसकी पोलैरिटी रॉन्ग हो चुकी है,
और ये रिवर्स वर्क कर रही है। ये एज मेटल को ब्राइटन करने के बजाय अर्थ के सारे कोर को डार्कनेस में सिंक कर देगी। इस पर ग्रीन लैंटर्न पूछता है कि ऐसा किसने किया, और तब हम देखते हैं तीन और नाइटमेयर ऑफ बैटमैन को, और हम देखते हैं उन तीनों ने फिनिक्स कैनन फायर कर दी थी और हॉकमैन के मेस के जरिए सारा कोर डार्कनेस में सिंक हो रहा था। क्या दूसरी तरफ दुनिया की भट्टी में क्लार्क और ब्रूस दोनों ही उस भट्टी में कूद जाते हैं, जिस पर वंडर वुमन से बैटमैन हू लाफ्स कहता है, तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने जो टुकड़े बटोरे हैं वो हमारे लिए काफी डेंजरस है, लेकिन अब कोई बात नहीं। वो एक जो कि पावर कर रहा है उस रिवर्स कैनन को, और उस वजह से अर्थ का कोर अब डार्कन हो जाएगा और तुम्हारी मेहनत सारी बेकार हो जाएगी, और तुम्हारी ये डिस्कवर की गई मेस उसके लिए बहुत ही अच्छा कंडक्टर साबित होगी। हमेशा हमेशा के लिए एक पोर्टल क्रिएट होकर सारी अर्थ डार्क में सिंक हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए, और अब तुम्हारे दोस्त फोर्ज में कूद कर डार्कन को अपना लेंगे, और अब इस अर्थ को बार्बाडोस के साथ मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और इतना कहकर वो वंडर वुमन को वही छोड़कर चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस डार्कनेस में ब्रूस और क्लार्क दोनों ही कूद चुके थे। यहाँ पर वंडर वुमन अपना आखिरी ट्राई करने के लिए लेडी ब्लैकहॉक के पास जाती है। उस पर लेडी ब्लैकहॉक उससे कहती है, वंडर वुमन सरेंडर कर लो, ये सब खत्म हो चुका है। उस पर वो कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं यहाँ पर अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ और भी है। और तब वो अपना लासो अपने हाथ में लपेट कर उसे एक पंच मारती है और उसे कहती है कि तुम याद करो, तुम कैनरा सॉन्डर्स हो, हॉक गर्ल। इस पर उसकी याददाश्त वापस आ जाती है और वो दोनों फैसला करती है कि इस पोर्टल के थ्रू वो बार्बाडोस तक जाएगी। और जब वो देखते हैं कि उस डार्क वर्ल्ड में क्या हुआ है, तब वो दोनों ही चौंक जाते हैं, क्योंकि सारे नाइटमेयर्स आजाद होकर वहाँ पर तबाही फैला रहे थे। दूसरी तरफ दुनिया की भट्टी में क्लार्क कह रहा था, मैंने तुम्हारे साथ कई लड़ाइयाँ लड़ी है, लेकिन अगर हमारा अंत यही होना है तो हम दोनों ही एक साथ यहाँ पर जाएंगे, और वो दोनों ही उस डार्कनेस में खो जाते हैं। दूसरी तरफ उन नाइटमेयर्स को देखकर डायना कहती है, तुम मेरे लिए एक काम कर सकती हो हॉकगर्ल। इस पर वो कहती है, क्या? वो कहती है, चिल्लाओ, जितनी जोर से हो सके उतनी जोर से चिल्लाओ। इस पर वो कहती है, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं बार्बाडोस और उस लाफिंग बैटमैन को सुनाना चाहती हूँ कि हम कितनी जोर से हंस सकते हैं, और मैं उनके कान के पर्दे फाड़ना चाहती हूँ। लेकिन ये सिर्फ चिल्लाना नहीं होगा, ये होगी वॉर क्राई। और तब हम देखते हैं कि वो दोनों ही उन नाइटमेयर से लड़ने के लिए मैदान में कूद चुकी थी, और यहाँ पर ड्रीम की सारी बुक्स जलकर राख होने वाली थी। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है, और चैनल इम्प्रूवमेंट के लिए आपके पास कुछ सजेशंस हो तो भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।